सोहल कैसे हो आपसे भाई हो आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको YouTube एप्लीकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में हर कोई YouTube को यूज करता है, YouTube एप्लीकेशन को ओपन करके मूवी देखता है, सॉन्ग सुनता है, वीडियोस देखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि YouTube एप्लीकेशन में काफ़ी सारे ऐसे हिडन सेटिंग्स और फीचर्स दिए गए हैं जिसके बारे में आज भी काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, वो इन सेटिंग्स और फीचर्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में जान लोगे तो आप खुद ही बोलोगे कि यार काश इसके बारे में पहले पता होता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो YouTube ओपन करते हैं, YouTube को यूज करते हैं, वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन उनको सेटिंग्स से फीचर्स से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ YouTube को ओपन करते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ठीक है तो आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। आप खुद ही बोलोगे कि यार काश इसके बारे में पहले पता होता, आपका जो YouTube यूज करने का एक्सपीरियंस है वो पहले से काफ़ी बेटर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फ़ोन यूज करते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको YouTube एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है देखो हमारा जो पहला फीचर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रिक है। जब भी आप कोई भी वीडियो प्ले करते होंगे ठीक है, तो आपको अगर वीडियो को फॉरवर्ड करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, तो आप क्या करते हो कि डबल टैप करते हो। ठीक है इस तरह आप डबल टैप करते हो तो आपका जो वीडियो है वो फॉरवर्ड होता है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पर लॉन्ग टैप करके अपने वीडियो को इस तरह फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जितना भी आप फॉरवर्ड करना चाहते हो आपको सिंपली इस तरह स्लाइड करना है, आपका जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है अगर आप वीडियो को फुल स्क्रीन करना चाहते हो ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर टैप करके अपने वीडियो को फुल स्क्रीन करते होंगे इस तरह। ठीक है लेकिन दोस्तों अब आप एक नया तरीका यूज कर सकते हो। अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो आपको वीडियो पर इस तरह स्वाइप अप करना है, ठीक है आपका जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है अगर पहले की तरह करना है तो आपको इस तरह करना है, आपका जो वीडियो है वो पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है इस तरह आप इन दोनों तरीकों को यूज कर सकते हो। ठीक है इसके बाद काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वीडियो को सर्च करते हैं, ठीक है उनको लेटेस्ट वीडियो चाहिए होता है। तो दोस्तों अब आप एक तरीका यूज कर सकते हो, यूट्यूब में भी फिल्टर को यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमें न्यू वीडियो चाहिए, ठीक है तो यहाँ पर हम डालते हैं न्यू वीडियो। ओके अब नया वीडियो कौन सा है, कैसे आप उसको सर्च करोगे, तो सिंपली आपको यहाँ से फिल्टर को यूज करना है। ठीक है आपको यहाँ पर सर्च फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। ओके आपको टाइप पर टैप करना है, वीडियो चैनल आप क्या चीज़ें सर्च करना चाहते हो। ठीक है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पर वीडियो कर देते हैं, और वो वीडियो कब अपलोड हुआ है आपको टाइमिंग डाल देना है। ठीक है लास्ट आवर, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। ठीक है दोस्तों आपको यहाँ पर टाइम भी डाल देना है कि आप कब की वीडियो सर्च कर रहे हो। ठीक है जैसे हम टुडे डाल देते हैं। ओके कितने सेकंड का, यानी कितने सेकंड का या मिनट का है वीडियो, आपको यहाँ पर डालना है ड्यूरेशन। ठीक है ड्यूरेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर 4K, HD, 3D क्या चाहिए आपको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, उस टाइप के आपको सभी वीडियोस शो हो जाएंगे। ठीक है इस तरह आप यूट्यूब में फिल्टर को यूज कर सकते हो। ओके इसके बाद दोस्तों आपको लाइब्रेरी पर क्लिक करके सेटिंग्स को ओपन करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे। ठीक है आपको जनरल पर टैप करना है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। दोस्तों जब हम डबल टैप करते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ 10 सेकेंड फॉरवर्ड होता है। ठीक है तो आप यहाँ पर डबल टैप पर टाइमिंग को बढ़ा सकते हो। ठीक है 15 सेकेंड कर सकते हो, 20 सेकेंड कर सकते हो, 30 सेकेंड कर सकते हो, 60 सेकेंड कर सकते हो, जो भी टाइम आप सेट करोगे जब आप डबल टैप करोगे उतना सेकंड आपका वीडियो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है इस तरह आप डबल टैप टू सिक को बढ़ा सकते हो। ओके अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिमाइंड मी टू टेक ए ब्रेक। दोस्तों मान लो कि
आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, वो YouTube पर कुछ देख रहे हैं और आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक आपका जो YouTube है कुछ टाइम बाद बंद हो जाए, ठीक है, आप एक ब्रेक का टाइम ऐड कर सकते हो। आपको सिंपली इसको ऑन करना है, यहाँ पर टाइमिंग डाल देना है। दोस्तों जो भी टाइम आप डालोगे, ठीक है, जितना भी आप टाइम डालोगे उतने टाइम बाद आपका जो YouTube है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा, रिमाइंड मी व्हेन इट्स बैड टाइम। ये जो फीचर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे रात में YouTube देखने लगते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइमिंग डाल देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट कर देना है, स्टार्ट एंड, ठीक है। उस टाइम के बीच में आपका जो YouTube है वो चलेगा ही नहीं, ठीक है, यानी अगर कोई भी YouTube को ओपन करेगा तो YouTube आपको बता देगा कि ये जो टाइम है ये YouTube पर मूवी देखने का, सॉन्ग देखने का, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, ये बैड टाइम है, ठीक है। इस तरह आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, प्ले बैक इन फीड्स। दोस्तों जब हम YouTube को ओपन करते हैं तो हमारे जो वीडियोज़ होते हैं वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाते हैं, ऑटोमेटिक होम स्क्रीन पर ब्राउजिंग टाइम पर प्ले हो जाते हैं, हम प्ले नहीं करते हैं इसके बावजूद भी हमारे वीडियोस प्ले हो जाते हैं, जिससे हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाती है और इंटरनेट डेटा भी काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ से इस चीज़ को ऑफ़ कर देना है। हालांकि ये जो फीचर ये काफ़ी अच्छा फीचर, लेकिन दोस्तों इसका नुकसान यही है कि अगर आप इसको ऑन करके रखोगे, ठीक है, तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म होगी, मोबाइल डेटा भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से इस सेटिंग को ऑफ़ कर सकते हो, इस फीचर को ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड मोड, ठीक है। अगर आपका यूट्यूब बच्चे यूज करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन कर सकते हो। कोई भी एडल्ट वीडियो, पॉर्न वीडियो आपके यूट्यूब में शो नहीं होगा, इस तरह आप यूट्यूब में रिस्ट्रिक्शन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा सेविंग, ठीक है, आप यहाँ से इसको ऑन करके अपने मोबाइल डेटा को सेव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि जब वो YouTube पर मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं तो इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होता है, तो दोस्तों आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो, इससे आपका जो इंटरनेट डेटा है वो सेव होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप YouTube के इन सभी फीचर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, या चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।